कॉन्सेप्ट था और काफ़ी लोगों को सम्मानित भी किया गया, क्या कहना चाहेंगे इस कॉन्सेप्ट के बारे में, कहाँ से आपको प्रेरणा मिली, कहाँ से इंस्पिरेशन मिला और ये कितना ज़्यादा डिफरेंट मानती हैं इस चीज़ को, बताइए कैसा एक्सपीरियंस रहा आपको इस कॉन्सेप्ट को लाने में यहाँ पे? कॉन्सेप्ट को लाने में क्या मिला वो तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हो गया, लेकिन अभी ये कह सकती हूँ जो हेड डू नाइट जो हमने एक छोटा सा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया, मैंने मैं एंड मेरी पूरी टीम ने हमने ऑर्गेनाइज़ किया, इट इज़ क्वाली टोटली एक क्रिएटिव वर्क के ऊपर हमने काम किया। बेसिकली इंडिया में आज तक कभी भी हुआ नहीं है, एज एज रशिया एंड नागालैंड ये सब साइड में, वो सब साइड में जब इवेंट होता है ना इस तरीका का इवेंट देखा गया है। तो मैं बेसिकली मैं क्रिएटिव मेकअप आर्टिस्ट हूँ, सो मुझे ये लगता है इंडिया में ये होना चाहिए, इंडिया में इसकी चर्चा और ज़्यादा होना चाहिए, बिकॉज़ काफ़ी सारे क्रिएटिव मेकअप आर्टिस्ट है, क्रिएटिव डिज़ाइनर है, लोग क्रिएटिव अपने दिमाग से निकालते रहते हैं डे बाय डे, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हो रहा है सब चीज़ का, एंड मुझे इस चीज़ को करना मुझे अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज़ सब लोग जब भी बोलते हैं वाह बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा लग रहा है, कैसे किया, वो सुनने में भी अच्छा लगता है। तो जिस वजह से मैंने ये सोचा था एक क्रिएटिव शो होना ज़रूरी है, और क्रिएटिव जितना डालो उतना कम ही होता है, जैसे आपको भी पता है क्रिएटिव चीज़ जितना मेंटेन करो वो भी कम पड़ता है, और इसमें क्रिएटिविटी हमने 7 मॉडल रेडी किया है, बट ये शो में हमने बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी डाला, बहुत ज़्यादा, बिकॉज़ आप कोई भी चैनल देख लो, यूट्यूब चैनल देख लो, बहुत जगह पे ये चीज़ कहीं पे भी नहीं मिलेगा, हमने किसी को कॉपी नहीं किया, मेन बात एक बात बता दूँ, होता है बहुत जगह पे, बहुत सारे इंटरनेशनल मैंने देखा, बहुत जन का देखा मैंने, बट आई डिडंट कॉपी, मैंने कॉपी नहीं किया उनको, बट मैंने मेरे दिमाग से निकाला, मैंने सोचा कैसे अच्छा हो सकता है, कैसे और क्रिएटिव हो सकता है, कैसे लोग इसको अच्छा बोले, देखे सबको अच्छा लगे, वाव मिले हमको, वो मैंने ध्यान दिया सबसे ज़्यादा। ये भी जानना चाहूँगा कि स्नीक पीक दीजिए इस कॉन्सेप्ट का, मतलब थोड़ा बताइए कि कितना यूनिक है ये कॉन्सेप्ट, और सबसे खास बात क्या है इस कॉन्सेप्ट में जो आपको आकर्षित किया इस कॉन्सेप्ट को लाने के लिए, क्या ऐसा चीज़ है, क्या यूनिकनेस है, क्या अलग हटके है जो ये कॉन्सेप्ट आपको इंस्पायर किया है? एक्चुअली ये चीज़ जो है ना, बहुत पहले आलिम हाकिम ने एक जगह पे एक शो किया था, उसमें मैं भी हेल्पिंग हैंड में थी उनके साथ, तो उन्होंने उस टाइम बहुत कुछ सिखाया, हे डू क्या होता है, बेसिकली देखा जाए तो उन्होंने फर्स्ट टाइम किया था, बट इट इज़ काफ़ी साल गुजर गए, उसमें उन्होंने इस चीज़ को हे डू को सेट करना, कैसे हे डू बनता है, हर एक चीज़ सिखाया उन्होंने मुझे, एंड हम लोग बहुत बड़ा टीम थे उस टाइम, काफ़ी इट वॉज़ वेरी बिग टीम, सो हम टीम के साथ काम किया था, उन्होंने बहुत मज़ा आया था, लेकिन दिमाग में ये चीज़ था क्योंकि बिकॉज इट्स टोटली न्यू, बिकॉज अभी हम लोग बेसिकली देखा जाता है फैशन शो जो होता है, फैशन शो में हमने कॉस्ट्यूम पहना दिया, अच्छे से मेकअप किया या ब्लो ड्राई या आइनिंग रहता है, एंड स्टेज में रैंप वॉक हो जाता है, एट इज़ शो ओवर, ऐसा बहुत सारे डेली होता है, बट ये जो क्रिएटिविटी है, जैसे सर के ऊपर ये डू लग के मॉडल को डांस करना, मॉडल के लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है, मॉडल के सर पे बालों के साथ वो फिट करना, इट इज़ क्वाइट मोर एंड मोर डिफ़िकल्ट, वो तो मॉडल की, मतलब थैंक्स टू मॉडल, जो मॉडल ने हमारे साथ काम किया है, कभी फिट करने में उनको पिन लग गया बार बार, बहुत बार हम लोग बहुत संभाल के किया, फिर भी हमको बहुत तकलीफ़ हुआ मॉडल को, आई नो दैट, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट अदरवाइज इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं था उस टाइम, तो हेयर को टाइट करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है उसमें, मॉडल के हेयर में डू फिट करना इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, अगर किधर भी लूज़ हुआ, स्टेज पे गिर गए, सो इट इज़ मोर मतलब एम्बेरेजिंग, दैट्स वाई वो टाइट फिटिंग करना, फिटिंग करने के टाइम बहुत डिफिकल्ट, तो मेरे टीम हैरान हो गए थे, हम लोग सब टीम वर्क कर रहे थे, वी आर शाउटिंग, आई एम शाउटिंग विद माई टीम, एंड मॉडल्स को बहुत पेन हो रहा था, वो भी हमने मेंटेन किया बहुत अच्छे से, बट डेफिनेटली अल्टीमेटली देखा गया जब स्टेज पे किसी का भी डू ज़रा सा भी नहीं हिला, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, आलिम सर ने भी ये हमें सिखाया था एक बार, जो अगर मॉडल को थोड़ा सा लगे दैट टाइम इज़ फाइन, बट डू डिफ़िकल्टी होना चाहिए डांस के टाइम या वॉक के टाइम, डू मतलब सर से गिर ना जाए, वो ध्यान रखना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, सो मैंने भी उस चीज़ को ध्यान दिया, उनकी बात मैं बहुत मानती हूँ, ही ऑल्सो इज मोस्ट क्रिएटिव स्टाइलिस्ट आज के तारीख में देखा जाए तो,
बालों को पता नहीं कहाँ से क्या स्टाइलिंग कर देते, कैसे मेकओवर करते, समझ में भी नहीं आता है। सीजर कभी चलता है, उनका कोम कहाँ चलता है वो भी समझ में नहीं आता है। तो मैंने उनको भी फॉलो किया डेफिनेटली। और तो ये जो क्रिएटिविटी होता है, ये जब भी हमने अभी कम से कम 4 मंथ्स हो गया, 4 मंथ्स से उसको रेडी कर रहे हैं, तो 7 डू मनाने में हमको 4 मंथ्स लग गया। 4 मंथ से हम ये इसकी चीज़ें पढ़े हैं, तो तब जाके एक छोटा सा इवेंट हुआ है। इट इज़ लाइक दैट। ये भी कहना चाहूँगा कि पहली बार एक्सपेरिमेंट हुआ है ये हेयर डू नाइट का कॉन्सेप्ट जो है, तो क्या कहना चाहेंगे कि कितना ये अपीलिंग होगा जाके आगे कुछ यूनिक कॉन्सेप्ट बनाने का इंडिया में अगर देखा जाए तो, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर लोग एक्सपेरिमेंट नहीं करते कोई नई चीज़ को, यू नो ट्रेंड फॉलो करते हैं जो कि फॉलो हो रहा है पहले से। तो आपसे कितना इंस्पायर होंगे खासकर इस इंडस्ट्री के लोग अगर आपने कुछ अलग किया है तो? सो डेफिनेटली मैं कहूँगी ये लोगों को नए नए चीज़ देखने को बहुत अच्छा लगता है। सबको चाहिए भी आजकल कुछ नए हो जाए, कुछ न्यू देखने को मिले। बेसिकली मेरे जैसे तो बहुत सारे लोग रहेंगे जो क्रिएटिव में माइंड करते हैं, क्रिएटिव में मायने भी रखते हैं, बिकॉज मेरे पास काफ़ी फ़ोन कॉल्स भी आया है। हमने बहुत ज़्यादा पोस्ट अभी तक किया नहीं, शो के बाद हम पोस्ट करेंगे। प्री शूट का जो था बस मॉडल के साथ हम बात करें कैसे बना रहे, वो शायद हमने किया था, बट काफ़ी सारा इंक्वायरी आया है मेरे पास ये क्या कर रहे हो। मतलब बहुत जन को समझ भी नहीं आया, 90% लोगों को तो समझ में ही नहीं आया। मेरी मीडिया दादा भी बहुत सारे आए बात करने के लिए, बहुत जन को इससे समझ भी नहीं आए। इन डे तक जिस दिन हमारा शो है उस दिन की मुझे मुझे फ़ोन आ रहा था जो आज क्या हो रहा है आपके पास, आज क्या हो रहा है। तो इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट, आई नो दैट। सबको सामने बुला के मीटिंग करना, समझाना, इट इज़ बहुत लॉन्ग टाइम, लॉन्ग प्रोसीजर, हेल्दी प्रोसीजर हो गया हमारे लिए। समझ में तो डेफिनेटली नहीं आता है, बट अगर जब देखेंगे आप लोगों को, जब भी देखोगे तब जाके समझ में क्या है ये चीज़, क्यों हो रहा है ये चीज़। और बार बार होना भी चाहिए, ये भी कमेंट्स आएगा, आई नो दैट, इट इज़ गारंटी, इज़ माई गारंटी, बिकॉज हमने इतना मेहनत किया, मेरी टीम ने इतना मेहनत किया, सो इट इज़ माई गारंटी, डेफिनेटली सबको बहुत अच्छा लगेंगे। ये भी समझा कि काफ़ी सक्सेसफुल शो रहा आपका, काफ़ी लोग जो आपको सपोर्ट कर रहे थे उन लोगों के अंदर जो आपको सपोर्ट किया, और क्या कहना चाहेंगे कि कितना अच्छा लगा जब इतने सारे लोग यू नो यूनाइट कॉज के लिए होते हैं और आपको सपोर्ट करते हैं, तो उन लोगों का नाम रिवील कीजिए और किस तरह से सपोर्ट किया वो भी बताइए आपको। हाँ, बेसिकली मैं कहूँगी यहाँ पे ICIC HMPS की जो बच्चे हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया। दो बच्चे ने दोनों टीम में डांस किया बहुत अच्छे से, सो दे आर वेरी गुड। एंड काफ़ी जो टीचर्स है, टीचर का नाम लेना चाहूँगी नेहा जी, नेहा जी काफ़ी हेल्पफुल पर्सन है, नेहा जी ने बहुत हेल्प किया हमें। एंड हरलिन टीचर, शी इज़ ऑल्सो वेरी गुड हेल्पिंग हैंड। गुरप्रीत टीचर, दे आर ऑल्सो वेरी गुड हैंड हेल्पिंग हैंड, काफ़ी हेल्प किया बच्चों के लिए बोलो, मेरे लिए बोलो, सर्टिफिकेट बनाना, रेडी करना, राइटिंग करना, एड्रेस, काफ़ी हल्ला हो गया था, बहुत एंजॉय किया सब ने, आई होप सो। तो सब ने बहुत अच्छे से किया, हेल्प किया हमें। शैलेश जी, शैलेश जैन, उन्होंने बहुत अच्छे से हेल्प किया हमारे लिए। हमारे अम्बोली पुलिस स्टेशन से हमको परमिशन लेना चाहिए था, तो मसूरकर जी ने हमें बहुत अच्छा हेल्प किया, उन्होंने एक बार में हमें परमिशन दे दिया था, बिकॉज़ यहाँ पे साउंड का कुछ मसला था, देयर इज़ नो सॉन्ग, वो टोटली म्यूज़िक के ऊपर हुआ, आप लोग देखोगे टोटली म्यूज़िक के ऊपर बनाया है, बट मसूरकर जी ने बच्चों के लिए, सबके लिए, देयर इज़ नो म्यूज़िक एंड कोई सेलिब्रिटी गेस्ट नहीं थे हमारे पास इस टाइम, तो उन्होंने हमें परमिशन दिया था, सो थैंक्स फॉर दैट। एंड दीपा जी थी, मिसेस दीपा नारायण जी, वो हमारी चीफ गेस्ट थी, शी वाज़ आल्सो क्वाइट हैप्पी, यू नो दैट बहुत ज़्यादा क्राउड एंड बहुत ज़्यादा, मैंने बहुत 1000 क्राउड तो नहीं हुआ था, मैं फ्रेंकली बताऊँगी, बट क्राउड वॉज देयर, वेरी नाइस क्राउड, फैमिली क्राउड वॉज देयर, बिकॉज दिस इज़ कोविड का टाइम, बहुत ज़्यादा भीड़ करना भी मुश्किल है, बट बच्चों ने काफ़ी इन्जॉय किया, मैंने सुना है, पेरेंट्स का कॉल भी आया था मेरे पास, उन्होंने बोला लॉकडाउन के बाद स्कूल नहीं जा रहे बच्चे, तो बच्चे दे आर एन्जॉइंग टू मच, बस उनको लगा एक प्लेटफॉर्म मिल गया बहुत अच्छे से, सो देर ने खुल के डांस किया, उन लोगों ने ओपनली डांस किया, बट इट इज़ क्वाइट नाइस, बच्चे ने बहुत इन्जॉय किया। बच्चे का एग्ज़ाम चल रहा था, सबसे मेन बात है एग्ज़ाम चल रहा था, एग्ज़ाम के बीच में दे आर कॉलिंग, आज डांस प्रैक्टिस है ना, सर को पूछ रहे सर डांस प्रैक्टिस है ना, सो हमने बोला चलो एक बार डांस प्रैक्टिस करा ही दो लास्ट में, ऐसा हो गया था। सो दे आर एन्जॉइंग लॉट, एंड जिन्होंने भी हमारे साथ फ्रेंडशिप में आए, सो थैंक्स बोलना चाहूँगी। एंड नेक्स्ट शो में भी डेफिनेटली आप लोग सब आओगे, ये मैं उम्मीद रखती हूँ आप लोग से, एंड डेफिनेटली
ये भी चाहूँगा कि क्या कहना चाहेंगे, ये तो आपका सक्सेसफुल हो ही गया, नेक्स्ट ईयर या इसी ईयर आप प्लान कर रही हैं मेगा कुछ करने का, वो मेगा क्या है अगर कुछ रिवील कर सकती हैं, और कितना एक्साइटेड हैं उस चीज़ को लेकर पहले से आप? मैं तो देखो, आपको पता है मेरे को क्रिएटिव वर्क करने में बहुत अच्छा लगता है, आप लोग जितने भी लोग हो अभी मीडिया दादा जितने भी हो सबको तो पता है मैं कुछ ना कुछ क्रिएटिव निकालती रहती हूँ दिमाग से, है ना। दैट अभी वो दिसंबर में क्या क्रिएटिविटी निकालूँ दैट आई डोंट नो, बट दिसंबर एक अच्छा इवेंट करूँगी ये प्रॉमिस है। वो इवेंट का अभी टीम के साथ बात चल रहा है, मीडिया के साथ भी मेरा बात चल रही है कैसा प्रमोशन होगा, बट इट इज़ क्वाइट हाई लेवल क्योंकि उस टाइम आई होप सो कोरोना का कोई प्रॉब्लम रहेगा नहीं, सो देन हम लोग बहुत अच्छे से उसको कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं जिसको। कुछ कहना चाहेंगे इस इंडस्ट्री के लोगों को या जो भी फॉलो करते हैं मेकअप इंडस्ट्री को, व्हाट इज़ द रूट टू सक्सेस, आपने सक्सेस हासिल किया है, आपका खुद का बिजनेस है, क्या कहना चाहेंगे, क्या हो सकता है? एक्चुअली अगर बोला जाए तो बोलूँगी तो प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट सबसे मोर इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप लोगों को, आप लोग मेरे से भी बहुत अच्छे अच्छे मेकअप आर्टिस्ट है, मेकअप दादा है, बहुत अच्छा मेकअप करते हैं, मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो अभी भी सीख रही हूँ, मुझे सीखना अच्छा लगता है, अभी भी कोई मुझे बोलता है तो कोर्स करने चले जाओ मैं चली जाऊँगी, सो मुझे बहुत अच्छा लगता है सीखना, तो प्रैक्टिस जितना अच्छा होता है ना उतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होता है अपने ऊपर। एंड हम लोग शो करते हैं ना, हम लोग सीखते भी है उसमें, जैसे हम कोई सेमिनार में जाए, जैसे आज हकीम आलिम बोलो, जावेद हबीब बोलो, एक सेमिनार में कितने सारे टिप देता है, हम सीखते हैं वहाँ से, अभी भी सीखना मिलता है मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, सेमिनार अटेंड करना, कोर्स करना बहुत अच्छा लगता है। बट जितना प्रैक्टिस ज़्यादा बेटर होता है तो ज़्यादा हमको नॉलेज मिलता है उसके लिए। और मेरी, मैं जिस टाइप का इवेंट करती हूँ, मेरा इवेंट में हम बच्चों को अवार्ड देते हैं, बच्चे को सर्टिफिकेट देते हैं, बच्चे को हम थोड़ा सा मोटिव करते हैं, वहाँ पे प्लेटफॉर्म देते हैं, बेसिकली न्यू यंग जनरेशन को हम, मैं ज़्यादा प्लेटफॉर्म देना पसंद करती हूँ। एंड मेरी जो क्रिएटिविटी है वो तो आप लोग देखा, पहले भी देखा होगा एंड अभी भी इस बार भी देखोगे आप, सो ये मुझे बाकी चीज़ में ध्यान नहीं रहता है कभी भी, और मैं दूसरों को फॉलो भी नहीं करती एंड कॉपी भी नहीं करती, फॉलो इन द सेंस डेफिनेटली देखती हूँ सबका कौन सा काम अच्छा है, कौन कच्चा काम कर वो देखती हूँ, बट आई डिड नॉट कॉपी, आई नेवर कॉपी, वो सब चीज़ देख के मैं कुछ क्रिएटिव निकालती हूँ अपने तरफ से, तो दैट इज़ माई वर्क। सो ये क्रिएटिविटी मेरे को निकालना, इवेंट करना, कोई इसमें डालना, वो बहुत अच्छा होता है, सो दैट इज़ मेरे को अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है मेरे को वो चीज़, सो इसीलिए मैं करती हूँ वो चीज़, एंड मैं बार बार करती रहूँगी। एंड जितने भी मेरे मीडिया फ्रेंड है उनको भी थैंक्स, आप लोग आते हो हमेशा हमारे साथ, कोई भी इवेंट होता है हम आवाज़ देते हैं आपको, आप लोग आ जाते हो ऐसे भी, सो आई एम रियली थैंक्स फॉर दैट। और अब देखते रहिए, देखिए कैसा अच्छा लगता है, आप बताइए, हमें कॉमेंट्स कीजिए। थैंक यू मैम।